Myself, Mamta Sharma, lecturer CDDM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer. मेरा सब्जेक्ट है फैशन एक्सेसरीज, जिसका सब्जेक्ट कोड है CD207 और इसका यूनिट नंबर है 1 हेड गियर, जिसमें मैं आपको कैप बनाना सिखाऊंगी कि हम क्रोशिए से किस प्रकार कैप बना सकते हैं। क्रोशिए से कैप बनाने के लिए हमें जिन टूल्स और मटेरियल की आवश्यकता है वे इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए वूल। वूल जो है वो बॉल के फॉर्म में आती है, इस तरह से स्कीन्स या लच्छियों के फॉर्म में आती है, और जो बॉल है वो भी अलग अलग साइज में और अलग अलग वेट में आते हैं। जैसे 25 ग्राम्स में आएगा, 50 ग्राम्स में आता है, तो ऐसे अलग अलग साइज में और अलग अलग जो लच्छियां होती है ये भी अपनी इनकी भी अलग अलग साइज में हमें उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त हमें मेजरिंग टेप चाहिए, सीजर चाहिए और क्रॉचेट चाहिए। हम जिस साइज की वूल लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हमारी फाइन है वूल तो हमें जो क्रॉचेट होगा वो पतला वाला चाहिए, मतलब जिसका नंबर ज्यादा हो, जैसे हमें 12 या 30 नंबर का क्रॉचेट चाहिए होगा। जैसे जैसे हमारी वूल की थिकनेस बढ़ती जाती है तो हमारे क्रॉचेट का जो नंबर है वो भी कम होता जाएगा, हम 10 या 9 नंबर का क्रॉचेट उसके लिए यूज करते हैं। ये जो वूल के मैंने आपको बताया कि वूल जो है हमें अलग अलग टेक्सचर में, और ये देखिए जैसे यहाँ पे फर वाली वूल है, ये प्लेन वूल है, ये वाली जो वूल है ये प्योर वूल का एक टाइप है जो बॉल के फॉर्म में है। ये सब अलग अलग प्रकार की वूल्स है जो मार्केट में अवेलेबल होती है, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। क्रॉचेट कैप बनाने के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे फर्स्ट होता है कि हमें एक चेन बनानी होती है। चेन बना करके हम, क्योंकि हमें ये जो कैप है ये सेंटर से स्टार्ट करनी है, कैप को आप सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये सबसे इजी मेथड है। आप चाहें तो जो हेड का सर्कमफेरेंस होता है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी पहले बॉर्डर बना के फिर उसको कम कर सकते हैं। और एक होता है कि आप साइड से इसको कैप को बनाना स्टार्ट करें, तो मैं आपको जो सेंटर से बनाते हैं उस वाले मेथड के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें चेन बना करके एक सर्कल बनाना होता है। इसमें जो चेन का साइज होता है इसमें हमें कम से कम 6 या 7 चेन लेनी होती है, जिसके अंदर से हमें ट्रेबल स्टिच बनानी होती है। ट्रेबल स्टिच जो होती है उसमें हम 3 फंदे बनाते हैं, 3 का 2 और 2 का 1 करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रेबल स्टिच से ये सर्कल बनाया हुआ है, ये इसकी फर्स्ट स्टेप है। और जब हम ट्रेबल स्टिच बनाते हैं तो हमें चेन के ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये देखिए इसमें 2 पूरा लूप दिख रहा है, 1 लूप बैक में है और 1 फ्रंट में, तो हमें इन दोनों लूप के अंदर से लेना होता है, तब जाकर के हमारा क्रॉचेट जो है बिल्कुल अच्छा आता है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ पीछे से लेना है या हमें सिर्फ आगे से लेना है, हमें इस पूरे के पूरे लूप के बीच में से यानी नीचे से लेना होता है, तभी हमारा क्रॉचेट जो है वो अच्छा और गफ बनता है। ये देखिए फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने अंदर का सर्कल बनाया। इसके बाद जैसे अगर अंदर के सर्कल में हमारी 10 या 12 स्टिचेस हैं, तो उसके बाद सेकंड नंबर का जो सर्कल बनाना है उसमें हमें यहाँ पे स्टिचेस को बढ़ाना पड़ता है। तो हम एक जो हमारी चेन है उसके अंदर से हमें वी शेप में यानी 2-2 स्टिच लेनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे हमारी 10 है तो हमें यहाँ पे 20 स्टिचेस बनानी है, अगर यहाँ पे हमारी 12 स्टिचेस है तो यहाँ पे हमें उसकी जस्ट डबल करनी है 24, तभी हमारे सर्कल का साइज बड़ा होगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है उसमें हम एक जो चेन होती है उसमें से एक सिंगल लेते हैं ट्रेबल, और जो नेक्स्ट वाली चेन होगी उसमें से 2 लेते हैं, यानी इस रो में हम जितने हमारे नंबर ऑफ स्टिचेस सेकंड रो में है उसका 1.5 गुना यहाँ पे स्टिचेस को बढ़ाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट में हमने यहाँ पे डबल किया था, यहाँ पे हम उसका 1.5 टाइम उसको इंक्रीज करते हैं, यानी एक में से हमें डबल लेना है और एक में से हमें सिंगल लेना है। इस प्रकार जो हमारा सर्कल है इसका साइज यहाँ पे बड़ा होता जाता है। अगर हमें कोई सैंपल बनाना है सिर्फ, तो उसके लिए हमारे जो स्टिचेस हैं यहाँ पे हमें सिर्फ 3 रोज बनाएंगे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर हम किसी बच्चे के लिए बनाने तो जितना हमारा हेड का सर्कमफेरेंस हो गया उसमें ऊपर की तरफ जो हमारा क्राउन वाला हिस्सा होता है वहाँ पे हमें इसका मेजरमेंट लेना पड़ता है, और उसी के हिसाब से हमारा सर्कल का साइज जो होता है उस पर डिपेंड करता है। ये देखिए सबसे पहले हमने जो क्राउन की विड्थ है वो मार्क करनी होती है। इसके बाद जब हमारा क्राउन हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है तो इसके बाद हम इसको स्टिचेस को बढ़ाना कम कर देते हैं। जैसे 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 हमारे सर्कल का साइज बढ़ता है तो जो हम नंबर स्टिचेस, जैसे हमने 3rd रो में हमने 1 छोड़कर के 1 में स्टिच को इंक्रीज किया था,
वैसे फोर्थ रो में हम दो को छोड़कर के फिर स्टिच इंक्रीज करेंगे, और ये जो हमारा नेक्स्ट जो फाइव होगा तो हम तीन या चार को छोड़कर के फिर हम एक में से दो स्टिच बनाते हैं। तो उसके प्रकार ये हमारा जो सर्कल का साइज है ये बड़ा होता जाता है। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमें सर्कल को फ्लैट नीचे रख के देखना है कि कहीं इसका शेप जो है कहीं बहुत लूज तो नहीं आ रहा या कहीं बहुत टाइट आकर की कटोरी जैसा नहीं हो रहा। जब इसके बाद हमें कैप का ये जो आगे वाला पोर्शन बनाना होता है यानी कैप की हाइट बनानी होती है, तो उसके बाद हम स्टिचेस को इंक्रीज करना बंद कर देते हैं। और जितनी हमारी लास्ट नंबर ऑफ स्टिचेस है, जैसे यहाँ पे अगर मेरी 40 स्टिचेस है तो मुझे अगली वाली रो में भी 40 बनानी है, उसके नेक्स्ट रो में भी 40 बनानी है, तो मुझे जितनी कैप की हाइट चाहिए वहां से मेरा जो मेजरमेंट बजाय, जैसे यहाँ तक अगर मेरा क्राउन की हाइट मेरी 3 इंच है तो उसके आगे वाला जो मेजरमेंट है उसमें मेरे को स्टिचेस को बढ़ाना नहीं है, तब जाकर के मेरा ये वाला शेप आएगा। ये देखिए यहाँ पे कैप जो है हमारी इस प्रकार से तैयार होती है। ये सबसे इजी मेथड है और सबसे सिंपल मेथड है, इसमें हमने एक भी स्टिच को चेंज नहीं किया है, पूरे में हमने सिर्फ ट्रेबल स्टिच ही यूज करी है। यहाँ पे हम कैप में कौन कौन से डिजाइन बना सकते हैं ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, जो आपने आगे देखा इसमें सिर्फ कलर चेंज किया हुआ है और यहाँ नीचे की तरफ इसके अंदर फ्रिल का इफेक्ट दिया हुआ है। इसको बनाने का मेथड भी बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे इसमें दूसरे कलर का बो बना करके इसके डिजाइन को चेंज किया हुआ है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये हमारा बॉर्डर होता है, कि अगर हमें कैप में क्रिप बनानी होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे हाफ ट्रेबल स्टिच यूज करते हैं, जिसमें हम तीन फंदों का सीधा एक फंदा बनाते हैं। यानी हमें क्रोशे में एक बार लपेटना है, एक तो चेन है ही, फिर हम धागा क्रोशे के राउंड लेते हैं, फिर हम आगे वाली चेन में से निकालेंगे और तीनों में से हम एक ही बार में धागा निकाल लेंगे, तो ये हमारी जो स्टिच होगी इसकी लेंथ हमारी कम होती है और ये हमारी स्टिच जो होगी यहाँ पर इससे गफ होती है, तो इससे हमारे बॉर्डर की ग्रिप अच्छी बनती है। और इसे नीचे डेकोरेट करने के लिए आप इसमें ऐसे फ्रिल भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको हैट का रूप दिया गया है और यहाँ पे भी इसमें दो कलर यूज किए गए हैं। ये बिल्कुल सिंपल मेथड से बनी हुई है, इसमें भी सिंपल मेथड है जिसके अंदर इन्होंने कलर में अलग अलग यूज किए हैं। यहाँ पे भी देखिए कि इसमें कलर के वेरिएशन से अलग अलग डिजाइन की कैप बनाई गई है। मैंने आपके लिए इसमें बहुत सारे डिजाइन इकट्ठा किए हैं, ये देखिए यहाँ पे भी दो कलर में और बीच में यहाँ पे नेट का पैटर्न यानी जाली पैटर्न डाला है, इसमें भी यहाँ पे जाली पैटर्न डाला है, ये पूरी की पूरी सिंगल कलर में उसको फ्लावर से डेकोरेट किया है। यहाँ पे जो बेसिक वाली कैप है उसी की जो नीचे वाली स्टिचेस है यानी जो हमारा इसकी हाइट है, यहाँ पे हाइट को जैसे हम बो बनाते हैं यहाँ तक रनिंग स्टिच करके और उसके बाद उसको बांध दिया गया है, जिससे ये पगड़ी का रूप दे रही है। यहाँ पे भी हमारी सिंपल वाली कैप है जिसमें दूसरे कलर का पॉम्पॉम है लगा करके इसको डेकोरेटिव लुक दिया गया है, तथा लास्ट वाली जो स्टिच है उसमें कलर चेंज किया गया है। ये देखिए ये भी इसके बहुत सारे वेरिएशन है जो आपके सामने है। इसको हैट का रूप देने के लिए इसमें फ्रिल बनाई गई है। फ्रिल बनाने का जो मेथड है वो भी बिल्कुल इजी है। फ्रिल बनाने के लिए जो हमारी लास्ट वाली जब हम रो बनाते हैं तो हमें एक स्टिच में से पहले बार दो निकालने हैं तो पूरी रो में हमारे फंदे इंक्रीज हो जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट होगी उसमें भी हर एक में से दो दो निकालेंगे तो ये जो हमारी स्टिच है यहाँ के कंपेरिजन में ये इसका एरिया बढ़ जाएगा और यहाँ फंदे बढ़ने के कारण ये फ्रिल का रूप ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे नेट पैटर्न बनाया हुआ है और यहाँ पे भी सिंपल पैटर्न बना करके दो कलर लगा करके इसको डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे भी देखिए हमने बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग डिजाइन की कैप्स ले रखी है। क्रॉचेट से कैप के साथ हम ऐसे इस प्रकार का हैट भी बना सकते हैं इसी सेम स्टिच से, और इस तरह से स्कार्फ या मफलर भी बना सकते हैं जो हमारा सेट को पूरा करता है, और इसी स्टिच से हम इस प्रकार बो भी बना सकते हैं। थैंक यू।